वंस अगेन आप सबका स्वागत है। बात करने वाले वाली टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटल इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के टर्म्स पर डिस्कस करने वाले हैं। हम ये नहीं देखने वाले कि वो कंट्री का कितना बड़ा जीडीपी है, कितना परचेसिंग पावर है, कितना ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, कितना ज़्यादा डॉलर का रिजर्व है उनके पास और कितना बड़ा मिलिट्री, इन सब पर डिस्कस नहीं करने वाले। हम डिस्कस करने वाले प्योरली ऑन पर कैपिटल इनकम और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के टर्म पे। कोई भी कंट्री अमीर तब होता है जब उसके लोग अमीर होते हैं। तो जिस कंट्री का पर कैपिटल इनकम है, इसका मतलब इनकम बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस कंट्री का जो डेवलपमेंट होगा, उस कंट्री के जो लोग होंगे काफ़ी ज़्यादा अमीर होने वाले हैं, तो कंट्री पर कन्फर्म डेवलप होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं पहले पर कैपिटल इनकम और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या। पर कैपिटल इनकम इन सिंपल टर्म में अगर समझे तो इसका मतलब ये होता है एक एवरेज इंसान एक साल में कितना कमाता है, उसका मतलब होता है पर कैपिटल इनकम। दूसरी बात करें अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी सरकार अपने सिटीजन्स पे कितना खर्च कर रहा है, उसके डेवलपमेंट पे, उसके एजुकेशन पे, उसके मेडिकल पे और उसके सारी फैसिलिटीज जो उसको दे रहे हैं ताकि उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड अप हो सके, अच्छा हो सके, उसी को हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सिंपल टर्म्स में समझाया मैंने, बाकी इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज भी होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं इंडिया का पर कैपिटल इनकम कितना। इंडिया का पर कैपिटल इनकम आपको है 6,390 यूएस डॉलर, जो ये कन्वर्ट करें अगर इंडियन रुपीस में तो नियर अबाउट 4 लाख के आसपास चले जाता है, जो कि काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू टॉप 10 जो कंट्री है इनके कंपेरिजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वें नंबर पर आता है डेनमार्क। डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल है कॉपेनहेगन। एरिया इसका 42,393 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। पॉपुलेशन 58,05,189 लोग इस कंट्री में रहते हैं। डेंसिटी भी काफ़ी कम है, 137 लोग रहते हैं वन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है, बढ़िया है मतलब रहने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज वेल इसका वेरी हाई होने वाला है। अगर पर कैपिटल इनकम की बात करें तो यहाँ एक एवरेज इंसान कमाता है 58,932 यूएस डॉलर। अगर इसको कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो हो जाता है 43,69,511 रुपीज़, जो कि काफ़ी बेहतर, काफ़ी मैसिव है। अगर आप चाहते हैं कि इस इंसान कंट्री में माइग्रेशन के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको एक बेहतर कंट्री पक्का मिलने वाला है ताकि वहाँ जाके आप मोटा पैसा कमा सकें। 9वें नंबर पर आता है हांगकांग। ये हांगकांग एक साउथ चाइना सी में बसा हुआ कंट्री है जो कि ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था और 2040 तक मे भी शायद चाइना इसको कब्जा भी ले। ये काफ़ी छोटा कंट्री है जिसका एरिया है 2,754 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मैसिव है एज कम्पेयर टू एरिया। पॉपुलेशन इसका 75,700 लोग इस कंट्री में रहते हैं। इस कारण जो इसका पॉपुलेशन डेंसिटी है 6,777 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं, क्योंकि एरिया छोटा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा ही। पर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोज़ में जो हांगकांग में आपको बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का काफ़ी अच्छा है, वेरी हाई है। पर कैपिटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे एक एवरेज इंसान कमाता है 59,520 यूएस डॉलर एक साल में। अगर उसको कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो वो हो जाता है 44,13,109 रुपीज़ एक साल में, जो कि काफ़ी अच्छा, बेहतर पैसा है। बात कर लेते हैं 8वें नंबर की। 8वें नंबर पे आता है बुरिनी दुरसलैम। ये एक साउथ एशियन कंट्री है जो कि इंडोनेशिया या मलेशिया के आसपास में एक छोटा सा कंट्री है। इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल का नाम है बंद्रा सरी बेगवाना। ये काफ़ी छोटा कंट्री जिसका एरिया 5,765 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ 4,60,345 लोग रहते हैं। पॉपुलेशन इससे काफ़ी कम है, 73 लोग ही रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एज यूजुअल वेरी हाई होने वाला है। साथ ही साथ अगर बात करें पर कैपिटल इनकम की, तो एक साल में एक एवरेज इंसान यहाँ कमाता है 62,371 यूएस डॉलर। अगर कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो हो जाता है 46,24,496 रुपीज़, जो कि काफ़ी बेहतर है किसी भी एक एवरेज इंसान के लिए। बात करें अगर 7वें नंबर की कंट्री, तो इसमें आ जाता है अपना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जिसका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अगर बात करें एरिया की तो काफ़ी बड़ा एरिया है, 98,33,520 किलोमीटर स्क्वायर। बात करें पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, मैसिव है, 33,14,49,281 लोग इस कंट्री में रहते हैं। साथ ही साथ जो पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है, 33 लोग ही रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने का इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे जो सिटीज़ में जो लोग काफ़ी कम रहते हैं, ऐसा नहीं है। सिटीज़ में इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगा कंफर्म। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसका अभी वेरी हाई मिलेगा आपको। अगर पर कैपिटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे एक ईयर में एक एवरेज इंसान कमाता है 63,461 यूएस डॉलर, जो अगर कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो वो हो जाता है 47,1,977 रुपीज़, जो कि काफ़ी बेहतर अमाउंट है किसी भी एक एवरेज इंसान को रहने के लिए। अब बात कर लेते हैं 6वें नंबर की कंट्री। 6वें नंबर पे आता है नॉर्वे। ये एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो कि यूरोप में स्थित है, नॉर्दर्न यूरोप में स्थित है।
इसका कैपिटल ओस्लो है जो कि काफ़ी फेमस है नोबेल पीस प्राइज के लिए। एरिया की बात करें तो एरिया भी इसका ठीक ठाक है, 38,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसका पॉपुलेशन भी अच्छा पॉपुलेशन है, 53,91,365 लोग इस कंट्री में रहते हैं। अगर बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की तो पॉपुलेशन डेंसिटी इसमें 14 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, जो कि काफ़ी कम है और काफ़ी बेहतर है लोगों के रहने के लिए। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो काफ़ी हाई मिलेगा आपको यहाँ पे। अगर पर कैपिटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे एवरेज इंसान कमाता है 65,800 यूएस डॉलर। अगर कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो वो हो जाता है 48,78,739 एक साल में, जो कि काफ़ी बेहतर है अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। अगर बात करें पाँचवें नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड फेमस है अपने फेमस लैंडस्केप्स के लिए, आइस के लिए, और भी बहुत सारे बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। बात करें कैपिटल की तो स्विट्जरलैंड कैपिटल है बर्न है। अगर एरिया की बात करें तो 41,285 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। पॉपुलेशन की बात करें तो 85,70,146 लोग इस कंट्री में रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी अच्छी है, 207 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो वो भी काफ़ी हाई है। अगर पर कैपिटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे एवरेज इंसान एक साल में कमाता है 72,874 यूएस डॉलर। अगर कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में तो ये हो जाता है 54,03,241 रुपीज़, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है किसी भी एवरेज इंसान के लिए। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे आता है एशिया का एक कंट्री, इसका नाम है कतर। काफ़ी ये बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ, मतलब अरेबियन कंट्री है। इसका कैपिटल दोहा है। और बात करें अगर एरिया की तो 11,581 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। पॉपुलेशन की बात करें तो 28 लाख का पॉपुलेशन लगभग है इसमें। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी बेहतर है, 176 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। बात करें अगर पर कैपिटल इनकम की तो यहाँ पे एक एवरेज आदमी कमाता है 93,508 यूएस डॉलर। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं अगर इंडियन रुपीस में तो ये हो जाता है 69,33,148 रुपीज़, जो कि काफ़ी बेहतर अमाउंट है किसी भी एवरेज इंसान के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे आता है आयरलैंड। ये आयरलैंड एक यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, पार्ट हुआ करता था, अभी पार्ट है फिर भी अगर यूके बोलते हैं तो ये भी इसका पार्ट है, क्योंकि यूके में पड़ता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड। तो आयरलैंड की बात करें तो इसका कैपिटल है डबलिन कैपिटल पड़ जाता है। एरिया की बात करें तो 84,421 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया है। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे 65,728 लोग रहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन है इनका। अगर बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की तो यहाँ पे 77 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ही रहते हैं। अगर बात करें पर कैपिटल इनकम की तो यहाँ पे एक एवरेज इंसान कमाता है ईयरली बेसिस पे 94,392 यूएस डॉलर। अगर इसको कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो हो जाता है 69,98,692 रुपीज़, जो कि काफ़ी बेहतर अमाउंट है किसी भी एवरेज इंसान के लिए। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा कंट्री है। दूसरे नंबर पे आता है एक एशियन कंट्री जिसका नाम है सिंगापुर। उसका कैपिटल सिंगापुर ही है। एरिया की बात करें तो काफ़ी छोटा कंट्री है और विद ब्यूटीफुल एंड विद बेस्ट टाउन प्लानिंग के साथ। इसका एरिया है 728 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे 54,53,600 लोग रहते हैं छोटे कंट्री में। इस कारण जो उसका पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ही ज़्यादा है, 7,804 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। तो यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हाई राइज़ बिल्डिंग मिल जाएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे इसका भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी हाई है। पर कैपिटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे एक इंसान कमाता है 97,570 यूएस डॉलर में। अगर इसको कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो एक इंसान यहाँ पे कमाता है 71,96,289 रुपीज़, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे बेस्ट कंट्री, सबसे रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है लग्जमबर्ग। ये एक यूरोपियन कंट्री है और इसका कैपिटल भी लग्जमबर्ग सिटी है, क्योंकि काफ़ी छोटा कंट्री है ये। इसका एरिया है 2,586 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 6,33,622 लोग रहते हैं इस कंट्री में, जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी अच्छा है, 242 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज यूजुअल इसका हाई होने वाला, क्योंकि टॉप कंट्री है। अगर बात करें पर कैपिटल इनकम की तो इसका पर कैपिटल इनकम काफ़ी मैसिव है, 1,18,001 यूएस डॉलर। अगर कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो हो जाता है ये 87,49,081 रुपीज़, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है किसी एवरेज इंसान के लिए। तो इसीलिए सारे कंट्री टॉप 10 में आते हैं और हमारा कंट्री काफ़ी लो चल रहा है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है और हमारे पॉपुलेशन को सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।